पूरी साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे के लिखने पर ही डिपेंड रहती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एन एग्जाम। एग्जाम में हम कैसे लिखें, मेन टॉपिक ये एग्जाम चल रहे हैं, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहें। तो पॉइंट वाइज पॉइंट डिसाइड करेंगे और हर एक पॉइंट को आपको पूरा फॉलो करना है और ध्यान से करना है ताकि आप उसको करके अपने हाईएस्ट मार्क्स ला सको, क्योंकि लिखना मैटर करता है। आपकी पूरी साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे के लिखने पर ही डिपेंड रहती है। तो किसी को नहीं पता कि आपके माइंड में कितना अच्छा वो टॉपिक है, आप कितना अच्छा वो समझा सकते हो, सिर्फ मैटर करता है कि आप कितना अच्छा उसको लिख सकते हो। तो जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है डोंट राइट इन पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अच्छे से करते हैं पैराग्राफ्स में लिखते हैं कि पूरी की पूरी नोटबुक भर देंगे और उस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है और एग्जामिनर के समझ में नहीं आता। तो कोशिश करना है कि लाइन वाइज लाइन लिखना है आपको, यानी कि पॉइंट वाइज लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे करके लिखना है जैसे कि बचपन में लिखते थे आप, ऐसे वैसे लिखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लिखोगे तो आप का जो आंसर होगा वो समझने में आसानी होगी, मार्क्स भी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर इस बात को ध्यान रखना और आपका जो आंसर है वो इससे बड़ा भी दिखाई देगा तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि है राइट नीटली। ये सबको पता है कि राइटिंग मैटर करती है, राइटिंग अच्छी बनाओगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो शुरुआत अच्छी राइटिंग से करो, बाद में जैसी राइटिंग बनती है बनने दो, बट अभी क्या करना है, जब शुरुआत करोगे तो जितना हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कि है ड्रॉ डायग्राम्स। अगर डायग्राम्स हैं तो पहले आंसर लिखो, फिर उसका एक लेबल डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। बहुत मैटर करता है, अगर डायग्राम बनाओगे जो आपका आंसर जो होगा वो अच्छा दिखेगा और जितना अच्छा दिखेगा मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, आपके मार्क्स कम कटेंगे। अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स भी आपके आंसर में होगी, डेफिनेशन में होगी, तब भी एग्जामिनर अवॉइड कर देता है, क्योंकि एक डायग्राम का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर उस आंसर में डायग्राम है तो ज़रूर बनाना है आंसर लिखने के बाद, लेकिन ये तभी बनाना जब वो ज़्यादा मार्क्स का, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 मार्क्स का है तभी करना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से कर लेना जो भी डायग्राम है, जो भी ग्राफ है, अगर कोई भी ट्री डायग्राम भी है उसको भी ज़रूर बना के आना। फोर्थ पॉइंट है ट्राई टू यूज़ एग्जाम्पल्स। कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है, डेफिनेशन पूछी गई है, एग्जाम्पल्स भी यूज़ करो, वो भी काफ़ी दिखते हैं। अगर वो करोगे अच्छे से तो उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को भी जल्दी चेक कर देता है और इतना आपकी जो बाकी जो गलत आंसर भी होते हैं उनमें भी मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। और उससे ये होता है कि जो क्वेश्चन आपने कहीं मिस्टेक करी होती है वो भी अवॉइड कर देते हैं एग्जामिनर और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है ट्राई टू यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लाइन्स, यानी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं, लाइन्स हैं, तो उनको ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में एनसीईआरटी लाइन्स रटी हुई होती हैं, वो उन्हीं को ही चेक करके इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्कूल में उन्हीं बुक से पढ़ाया होता है उन लोगों ने, तो वही उनको डेफिनेशंस, वही उनको जितनी भी रूल्स हैं, लॉज हैं, सब याद होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वर्ड जो है उन्हीं को लिखने की कोशिश करो। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, कुछ और लिख सकते हो, बट कोशिश करो कि एनसीईआरटी बुक की वर्ड्स को यूज करो, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो कि है फॉर नॉन लैंग्वेज एग्जाम डोंट यूज टफ वर्ड्स। नॉन लैंग्वेज एग्जाम्स कौन से होते हैं, जैसे कि साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, ऐसे एग्जाम्स जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, उसमें टॉपिक अलग ही चलता है, तो वहां पर कोशिश करो कि सिंपल वर्ड्स यूज करो, क्योंकि वहां पर अगर टफ वर्ड यूज करोगे तो हो सकता है जो एग्जामिनर है उनको वो चीज़ पसंद ना आए, क्योंकि वो साइंस के टीचर है ना कि इंग्लिश या हिंदी के, तो उनको वो वर्ड समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स काट भी सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड यूज़ करना है और जैसा मैंने कहा कि एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करना है तो कोशिश करो वही लिखो, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर लैंग्वेज एग्जाम यूज बुकिश वर्ड्स। तो लैंग्वेज एग्जाम जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसका अगर एग्जाम है तो वही वर्ड्स, वही वोकैबुलरी यूज करो जो कि उस चैप्टर में हुई है। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश या हिंदी के टीचर्स ही होंगे और वो चैप्टर्स पढ़े हुए होते हैं, उनको वो एग्जैक्ट वर्ड्स पता होते हैं। अगर आप वही लिखोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के आपके मार्क्स वो जल्दी से आपको दे देंगे, और ये इम्पैक्ट उन पर भी पड़ता है, बाकी कोई से भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो कि
आप पैराग्राफ में नहीं लाइन में लिखते हो, अच्छा लिखते हो, डायग्राम भी बना रहे हो, एग्जाम्पल्स भी यूज कर रहे हो, टेक्स्ट बुक की लाइन यूज कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप इजी वर्ड्स में लिख रहे हो, तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, और जो आपने गलत क्वेश्चंस भी कर रखे होते हैं, गलत आंसर्स भी कर रखे होते हैं, उनके भी मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा इंप्रेशन पहले से डेवलप कर लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर यूज करना कि जो आपके क्वेश्चन है वो इस तरीके से हों, इन पॉइंट्स को फुलफिल करते हों, तो उससे इम्पैक्ट सिर्फ इतना होगा कि कहीं आपने अगर मिस्टेक छोटी सी भी करी होगी तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने बाकी सारी चीज़ें अच्छे से करी होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे 7 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको फॉलो करते हो तो मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो ज़रूर फॉलो करना। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ आई हो। समझ तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।